आपने लॉगिन किया है thefirstnews.in। घर में बच्चे हों तो हर समय एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत महसूस होती है। कई बार जरा सी चूक भी काफी भारी पड़ जाती है। आजकल टेक्नोलॉजी के जमाने में बच्चों पर हर पल नजर रख पाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में कई बार उनकी गलती का खामियाजा बड़ों को भुगतना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ चीन के एक परिवार में, जिनकी छोटी सी बच्ची ने 15,000 रुपए का खाना ऑर्डर कर लिया। चीन में रहने वाली एक बच्ची ने अपने पापा के फोन से खुद ही खाना ऑर्डर करने के बारे में सोचा। इसके लिए उसने अपने पापा का फोन इस्तेमाल किया था। पूरे वाकये में सबसे मजेदार बात यह है कि बच्ची ने जो खाना ऑर्डर किया था वो कई घंटों तक घर पर डिलीवर होता रहा। बच्ची को नूडल्स बहुत ज्यादा पसंद है और इसलिए उसने अपने लिए नूडल्स ही ऑर्डर किए थे। घर पर नूडल्स की डिलीवरी होने पर पापा पहले तो बहुत खुश हुए, लेकिन जब उन्हें फूड बिल थमाया गया तो वे चौंक गए। दरअसल उनकी लाडली ने खाना ऑर्डर करते समय ध्यान नहीं दिया और गलती से सोयाबीन पेस्ट नूडल्स के 100 कटोरे ऑर्डर कर दिए। बिल देखने से पहले तक पापा को लगा कि ये नूडल बॉल्स उन्हें किसी इनाम में मिली है। यह बिल पूरे 15,000 रुपए का था। यह बच्ची अपने पिता के साथ 13वीं मंजिल पर रहती है। ऐसे में डिलीवरी बॉय को इतनी सारी डिलीवरी करने के लिए बिल्डिंग के 7 चक्कर लगाने पड़े। बच्ची ने बाद में बताया कि उसे भूख लगी थी और उसने गलती से 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा दिए थे। उसके पापा ने 8 नूडल बॉल्स अपने पास रखने के बाद बाकी सफाई कर्मचारियों और अन्य स्टाफ में बंटवा दिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया और क्रिकेट से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए thefirstnews.in।